अग्निवीर पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम्। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। हम सबका जीवन परोपकार में हो। मामा जी, हवन को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल हैं। अब क्योंकि ऐसे परिवार में मैं आ गई हूँ जहाँ रोज हवन होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हवन में पूरी निष्ठा से भाग लूँ, और ये तभी हो सकेगा जब मेरी सारी शंकाएं दूर हों। भैया, आप लोग बातें करें, आज आप इन बच्चों की सारी शंकाएं दूर कर दें। कहिए, हवन के बारे में आपकी क्या शंकाएं हैं? हवन वास्तव में है क्या? क्या ये कर्मकांड है जो हमने अभी किया? हवन एक प्रकार का यज्ञ है, और यज्ञ पांच प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार के? कौन कौन से पांच प्रकार के? ये यज्ञ हैं ब्रह्म यज्ञ यानी परमात्मा का ध्यान, बलि वैष्णदेव यज्ञ यानी पशु पक्षियों की रक्षा, पितृ यज्ञ अर्थात माता पिता व बुजुर्गों की सेवा, अतिथि यज्ञ यानी विद्वानों और घराई की सेवा, देव यज्ञ अर्थात प्राकृतिक देवों, जल वायु और वनस्पति का शोधन और रक्षण। परोपकार की भावना से किया गया हर काम यज्ञ है। यज्ञ की मूल भावना है परोपकार, और हवन करने से मनुष्य का कर्ज भी उतरता है। कर्ज? वो कैसे मामा जी? मनुष्य के ऊपर तीन प्रकार के कर्ज होते हैं। कैसे कर्ज? हमें किसी को पैसा देना होता है? नहीं बेटा, ये तीन कर्ज हैं ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ज्ञान के दान से ऋषियों का ऋण उतरता है, और पितृ सेवा से पितरों का। हवन से जल वायु और वनस्पति जैसे देव जो हमेशा हमारा कल्याण करते हैं उनका ऋण उतरता है। मामा जी, इसके अलावा हवन से और क्या फायदे हैं? हवन के फायदे हैं तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, पर्यावरण की शुद्धि और वर्षा की कमी को दूर करना। हवन मनुष्य, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों सबके लिए अच्छा है। मामा जी, हवन की परंपरा कितनी पुरानी है? हवन की परंपरा तो अति प्राचीन है। ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ द्वारा राम लक्ष्मण को भेजने की कथा तो हम सबने सुनी। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भी रासु यज्ञ रचाया था। पुरातत्वों के प्रमाण बताते हैं कि कंबोडिया, बाली, सुमात्रा जैसे अनेक देशों में भी किसी न किसी रूप में हवन का प्रचलन रहा है। शहीद भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह तो नित्य हवन किया करते थे। भाई परमानंद और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अनेक क्रांतिकारी तो जेल में भी हवन किया करते थे। नाश्ता तैयार है, आप लोग अंदर आ जाइए। अच्छा ही। मामा जी, हवन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? बेटा, हवन के तीन उद्देश्य हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। मतलब देना भी पड़ता है? हाँ बेटा, देना भी चाहिए। जल वायु वनस्पति का शोधन और संरक्षण तथा इदम न मम की भावना यानी यह जो मैं दे रहा हूँ यह मेरा नहीं है, सब परमात्मा का है, देव पूजा है। समाज में एकता बनाना, ईर्ष्या और द्वेष न रखकर हवन करना संगतिकरण है, तथा धन में, ताकत में और ज्ञान में जो अपने से कम है उन्हें देते हुए चलने की भावना दान है। समझी? आप चल। मामा जी, लेकिन हवन से वातावरण की शुद्धि कैसे संभव है? रूम फ्रेशनर से कमरे की वायु कैसे सुगंधित होती है, बॉडी स्प्रे से शरीर कैसे सुगंधित होता है? सिद्धांत एक ही है, सुगंध के अणु वायु में फैल जाते हैं। एक जरा सा बधार जिस तरह से मटके की पूरी छाछ को सुगंधित कर देता है, या सूखी मिर्च जलाने पर किस तरह से अड़ोस पड़ोस में भी छींके आ जाती हैं, उसी तरह से अग्नि में जलने से सामग्री के अणु भी हवा में फैल जाते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। सन 2010 में घाटकोपर मुंबई में आचार्य ज्ञानेश्वर जी के निर्देशन में किए गए एक दैनिक यज्ञ शिविर के दौरान नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए परीक्षणों की यह रिपोर्ट दर्शाती है कि यज्ञ स्थल पर प्रतिदिन हानिकारक गैसों में निरंतर कमी आई। लेकिन घी और लकड़ी आदि जलने से धुआं और दूसरी हानिकारक गैसें भी तो पैदा होती हैं। हवन यदि ठीक तरह से किया जाए तो न तो धुआं ही पैदा होगा और न ही अधिक मात्रा में हानिकारक गैसें ही पैदा होंगी। ये ठीक तरीका क्या है?
बच्चों को जरा विस्तार से बताओ सुबोध। हवन कुंड का आकार शास्त्र के अनुसार हो, समय उचित हो और सामग्री शुद्ध हो। अब मामा जी, ये शुद्ध सामग्री से क्या मतलब है? शुद्ध सामग्री से मतलब है कि लकड़ी में कीड़ा ना लगा हो, पतली हो और जलने पर कोयला ना बने, सीधे राख बन जाए। घी को गर्म करके और छान के उसमें सुगंधित पदार्थ मिला लेने चाहिए। उसी तरह से सामग्री में तुलसी के पत्ते, तुलसी के बीज, नीम की निम्बोली, खूबकला और जायफल आदि औषधियों वाली चीज़ों को मिला लेना चाहिए। इन सब चीज़ों को शामिल करने से पहले इन्हें धो छान कर शुद्ध कर लेना चाहिए। मामा जी, आपके अनुसार कौन सी लकड़ी ठीक है और क्यों? आम, धाक, पलाश, चंदन, देवदार और साल की लकड़ी उपयुक्त मानी गई है। इन सभी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। हवन सामग्री में क्या क्या पदार्थ डालने चाहिए? हवन सामग्री में चार प्रकार की चीजें डालनी चाहिए। सुगंध पैदा करने वाली, पुष्टिकारक, मीठी चीजें और औषधियाँ। हवन के करने का सही समय कौन सा होता है, ये भी तो बताओ। हवन करने का सबसे अच्छा समय सूरज निकलने के बाद और सूरज छिपने से पहले का होता है। ऐसा क्यों? किसी को दिन में टाइम ना मिले तो? सूरज की रोशनी में पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, जिसमें वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। और हवन में जो थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वह दिन में पेड़ पौधों द्वारा सोख ली जाती है। इसलिए हवन सूरज के रहते ही करना चाहिए। फिर भी इतना सारा देसी घी, मेवे, मिठाइयाँ, औषधियाँ हम जलाकर वेस्ट करते हैं। इससे तो अच्छा होगा कि हम ये सब सामान किसी को खाने के लिए दे दें। साइंस भी कहता है कि मैटर कभी नष्ट नहीं होता, और अग्नि में डाली हुई चीजें अपने अणुओं में बढ़कर वायुमंडल में फैल जाती हैं और दूर दूर तक फैलकर दुर्गंध को नष्ट करती हैं। अब खिलाने पिलाने से तो एक ही आदमी का भला होगा ना, और उतनी ही सामग्री में हवन के माध्यम से असंख्य जीवों का उपकार होगा। लेकिन केसर और इत्यादि चीजें भी तो घर में रखने से घर सुगंधित हो सकता है ना पिताजी? हाँ, हो तो सकता है बेटा। तो फिर इतना बड़ा आयोजन करने की क्या आवश्यकता है? क्यों सुबोध? इसलिए कि इत्र की खुशबू में वो ताकत नहीं जो घर की दूषित हवा को बाहर निकाल सके, उसमें वो भेदक शक्ति नहीं जो हवन की अग्नि से पैदा होती है। लेकिन ये काम तो मंत्रों का शोर किए बिना भी किया जा सकता है, मनी मन ईश्वर को याद करके। वैसे भी हम धर्म के नाम पर बहुत प्रदूषण फैलाए करते हैं। मंत्र याद हो जाने से शास्त्रों का संरक्षण होता है, और जब मनुष्य मंत्र बोल रहा होता है तो वह ईश्वर के और नजदीक होता है। अवश्य ही हर स्थान पर लाउडस्पीकर लगाना जरूरी नहीं है। मामा जी, हवन से स्वास्थ्य लाभ होता है, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? हवन की सामग्री के जलने से जो गैसें पैदा होती हैं, उनमें कीटाणुओं को मारने की ताकत होती है। वैज्ञानिकों का मत है कि घी को जलाने से कीटाणु मरते हैं। जलती हुई शक्कर में वायु को शुद्ध करने की ताकत होती है, और सूखे मेवों के धुओं में टाइफाइड के जीवाणु जीवित नहीं रहते। क्या किसी वैज्ञानिक ने भी इन बातों को माना है? क्यों नहीं, 1895 में चेन्नई के सैनिटरी कमिश्नर डॉक्टर कर्नल किंग ने कहा था कि घी और चावल में केसर मिलाकर आग में डालने से प्लेग के रोग से बचा जा सकता है, और उन्होंने वहां खुद बड़ी संख्या में हवन कराए। सूरत शहर में भी बाढ़ के बाद भारी संख्या में हवन कराए गए, और बाढ़ के बाद एक भी महामारी का केस नहीं मिला। इतना ही नहीं, आज हवन का भारत सहित अनेक देशों में एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में उपयोग हो रहा है। मुंबई के डॉक्टर तारा सिंह हवन के माध्यम से अनेक रोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। यज्ञ की पद्धति है ये, जो हम औषधियों को हाई पोटेंसी की गैस तैयार करके तेज ज्वाला में औषधियों को हम डालते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ वेद मंत्रों के साथ में, हम पढ़ के वेद मंत्रों के साथ में उनकी आहुति देते हैं। उसके बाद में जो गैस बनती है उसमें तीव्र गैस, और वो गैस के पास में हम रोगी को बिठाते हैं, और उसके बाद में प्राणायाम भी करवाते हैं। तो उनके जो सूक्ष्म परमाणु हैं श्वास के द्वारा लंग्स में जाते हैं, फेफड़ों में जा करके वायु सेल्स, वायु जो कोष होते हैं उनमें जा करके जमा हुआ विजातीय द्रव्य या टॉक्सिन्स या कफ वगैरह जमा हुआ है वो लिक्विड वेस्ट में पिघलता है, और वहाँ से फिर ये पूरा सफाई कफ के द्वारा, पसीने के द्वारा, ये इस तरह टूट फूट जो है हमारे शरीर में से बाहर निकलती रहती है। मेरे कमर में बहुत दर्द था, हमने ऑपरेशन का तैयारी तो कर दिया, मगर लास्ट में जो पेज में जब साइन करने के लिए मेरे बच्चे लोग ने देखा तो वहाँ पे लिखा था कि हम इसका चलने का गारंटी नहीं दे रहे, और यहाँ आने के बाद मैं 16 दिन में खुद ब खुद चली गई। कमजोरी बहुत थी ज़्यादा, 5-6 महीने के बाद में हमें पता चला कि ये चल नहीं पाती, कुछ नहीं कर पाती थी, सिर्फ सीधी लेटी रहती थी। यहाँ पे आने में इसको बैठने भी हो गया, और आजकल
चलने की भी कोशिश कर रही है और घर में वॉकर है, वॉकर से भी चलने लग गई अभी तो। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो मैं रोती थी कि शायद इनको आने तक मैं हूँ या नहीं। 3 महीने मैं इधर आई तो मैं अपना बीमारी ही भूल गई थी। 3 महीने बाद जब मैं अपने हॉस्पिटल में वापस गई तो डॉक्टर ने मेरा ECG देखा तो ECG पकड़ के वो खड़े हो गए, बोलते ये आपका नहीं है, चेंज हो गया होगा शायद। तो डॉक्टर ने बोला अभी आप दवाई बंद कर दीजिए, अब आप एकदम स्वस्थ हैं, आपका जो ECG है और एक्सरे सारे टेस्ट दोबारा कराए उन्होंने, सब नॉर्मल था और मैं दोबारा मेरी ज़िंदगी मुझे मिली। मैं 1999 में अगस्त में मुझे पैदल एक्सिस का अटैक था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। यहाँ आने के बाद में 3-4 महीने में मुझे इतना फ़ायदा हो गया कि मैं उठने बैठने लग गया नीचे ज़मीन से। अरे वाह, ये तो वाकई में आश्चर्यजनक है। सामग्री के जलने से ऐसा क्या होता है जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है? हवन की आग का तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें मेनली फॉर्मेल्डिहाइड गैस, पानी, अम्ल, अल्कोहल और सुगंध पैदा करने वाले पदार्थ पैदा होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड गैस एक शक्तिशाली कृमिनाशक है, यह रोगियों के कमरे को कीटाणु रहित करने के काम में लिया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड लैंप कभी इसी काम के लिए विकसित की गई थी। हवन के तापमान पर अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड गैस में बदल जाता है। कपूर का धुआं रोगाणुनाशक है। कपूर की गोलियों को कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। हवन में अनेक प्रकार के हाइड्रोकार्बन भी पैदा होते हैं जो रोगाणुनाशक हैं। इसी तरह से चंदन, नीम, कपूर आदि का धुआं भी रोगाणुनाशक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम रोज हवन करें तो सारे संसार से अनेक बीमारियां दूर हो जाए और सारे विश्व में खुशहाली और शांति का वातावरण होगा, क्यों सुबोध? बिल्कुल। मामा जी कहते हैं हवन में वर्षा कराने की शक्ति होती है, क्या ये बात एक कपोल कल्पना नहीं लगती? हाँ भाभी, ये तो बिल्कुल जादू टोने जैसी बात लगती है। आजकल कितने तांत्रिक तो हवन से बिगड़े हुए काम मुकदमे में जीत और व्यापार में लाभ दिलाने की गारंटी भी देने लगे हैं। ऐसी गारंटी देना धोखाधड़ी है। हवन एक वैज्ञानिक क्रिया है। हवन के धुएं में धूल कणों की बहुलता होती है और लकड़ी के जलने से भी कार्बन धूल बनती है। इन धूल कणों के चारों ओर पानी जमने से आकाश में बादल बनता है। वैज्ञानिकों का मत है कि ये धूल कण हवा को तेजी से ठंडा करते हैं, जिससे सामान्य से अधिक तापमान पर ही हवा ठंडी हो जाती है और हवा में जल को रोकने की ताकत नहीं रह जाती तथा जल बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिर जाता है। इस तरह हवन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का अवशिष्ट तो खुद ही जल प्रदूषण करता है। अक्सर लोग हवन की राख और पूजा के फूलों के साथ दूसरा कचरा भी नहरों नदियों में फेंकते हैं। हवन की बची हुई चीजें बहुत ही उपयोगी होती हैं, उन्हें जलधाराओं में फेंकना नहीं चाहिए। आहुति से बचे घी में औषधीय गुण होते हैं। हवन की राख को पानी में मिलाकर कीट रोधक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है तथा हवन की राख को खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भैया, लेकिन जिस प्रकार महंगी सामग्री और बर्तनों का विधान बताया जाता है उससे गरीब आदमी तो हवन कर ही नहीं सकता, तो उसकी उन्नति कैसे होगी मामा जी? हवन में प्रत्येक क्रिया का एक वैज्ञानिक आधार भी है और तांबे के बर्तन इसलिए लिए गए हैं क्योंकि तांबे में रोगाणुओं को नष्ट करने की शक्ति है। मैं एक बात पूछूं, आप लोग हंसना नहीं है? हाँ, पूछो, नहीं हंसेंगे। क्या मैं वेस्टर्न कपड़े पहनकर हवन में बैठ सकती हूँ? जहाँ तक कपड़ों का प्रश्न है तो वह साफ और सुविधाजनक होने चाहिए ताकि आप आराम से हवन में बैठ सकें। और वैसे सभी भारतीय परिधान हवन के लिए उपयुक्त हैं। क्या सबसे आगे बैठकर आहुति देने वालों को पीछे बैठे हुए लोगों से ज्यादा पुण्य मिलता है कि बड़े बड़े आयोजनों में मुख्य वेदी पर बैठने की होड़ लगी रहती है? इसका जवाब मैं देता हूँ। बस में कोई कहीं भी बैठा हो, पहुँचते तो सब एक साथ ही है ना। इसलिए मुख्य वेदी पर बैठने की होड़ नहीं होनी चाहिए। मामा जी, कई जगहों पर चमड़े की बेल्ट को उतारकर हवन में बैठने के लिए कहा जाता है। जब पूरा मानव शरीर ही चमड़े का है तो एक बेल्ट को उतारने का क्या औचित्य रह जाता है? मानस, इसमें जानवरों को न मारने का संदेश है क्योंकि चमड़ा तो किसी जानवर को मारकर ही प्राप्त किया जा सकता है ना। राइट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मामा जी, क्या सभी लोग हवन कर सकते हैं? हाँ उमा, सभी लोग हवन कर सकते हैं। वेदों ने तो मनुष्य मात्र को हवन करने का अधिकार दिया है। मामा जी, आज हमें अपनी संस्कृति के एक महत्वपूर्ण अंग अग्निहोत्र अर्थात हवन के सच्चे रूप का पता चला। हवन की सारी चीजें कितनी वैज्ञानिक और तर्कसंगत हैं, है ना? थैंक यू मामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा,
हवन तो राष्ट्र और विश्व का कल्याण करने वाला है। दैनिक यज्ञ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसमें मात्र 12 से 14 मिनट का समय लगता है और इतने थोड़े से समय दान से हमें स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ पर्यावरण मिलता है और हमारा हर दिन परोपकार की भावना के साथ शुरू होता है। तो आइए देव ऋण उतारें, पर्यावरण संवारें। तस्यास्ते पृथ्वी देवयज्जनि पृष्ठेऽग्नि मन्नाद्यमन्ना ध्यायादधे ॐ उद्वद स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टापूर्ते सर्वं सृजे थामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अध्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॐ अयान्त इद्मयात्मा जातवेदस्ते मेधस्ववर्धस्व चेद्यवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसेनान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जात्वेदसे इदन्नमम ॐ समिधाग्निं धुवस्यत घृतैरवो धयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना ॐ शोषमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे तन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्घिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विश्व स्वाहा इदमग्नये अमृषे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्मयात्मान् जातवेदस्ते नेदस्वावर्धस्व चेद्यावर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नान्ये